अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिही व सहबिही अजमाइन। अम्माबाद, डे 21 में वेलकम। कल का दिन हमारा मिस हो गया क्योंकि यहाँ बारिश हो रही है और हवाओं के साथ ठीक ठाक, तो आज थोड़ा ब्रीफ ही रखेंगे इंशाल्लाह। मुझे वैसे तो कंक्लूड करना था दुआ और तकदीर को और फिर आगे जाना था, लेकिन मे बी दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। कुछ आप लोगों के सवाल भी आए हुए थे तो मैं चाह रहा हूँ उसको थोड़ा सा एड्रेस कर लें और फिर इंशाल्लाह जितना अल्लाह ताला ने मौका और इस्तेआत दी फिर हम दुआ और तकदीर को जो फाइनल हमें रैप अप करना और फिर हम आगे जाएंगे। इस पर टाइम लगाना, मुझे दो तीन मेरे पास थाट्स थी कि हम इसको इस पर किस तरह बात करें, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे प्लस सूरह अल बकरा में काफ़ी सारी चीज़ें उससे रेलिवेंट भी हैं। तो मेरी अप्रोच ये थी कि इसको एज अ ग्राउंड वर्क प्रिपेयर कर लें, क्योंकि हम दुआ और तकदीर, दिस इज़ समथिंग विच इज़ रेलिवेंट टू ऑल ऑफ अस एवरी डे। और ये सिर्फ शादी के मसले में नहीं होता, ये हर इशू पे, हर जो भी हमें अल्लाह ताला चॉइसेस देते हैं, रोज़ हम बहुत सारी चॉइसेस ले रहे होते हैं तो वो इन्फ्लुएंस करती हैं। फिर सूरह अल बकरा में आगे जाके फैमिली लॉस पर बहुत बात हो रही है, जिसमें निकाह के इशूज़ हैं, तलाक के इशूज़ हैं। तो मेरी सोच ये थी कि इसको हम अच्छा टाइम स्पेंड करके थोड़ा सा ग्राउंड वर्क प्रिपेयर कर लें, फिर जब हम आगे जाएंगे तो हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर ली होंगी और वहाँ से हम मुख्तसर रिमाइंडर्स की फॉर्म में आगे जाएंगे इंशाल्लाह। तो जैसे मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि हम रोज़ ही चॉइसेस लेते हैं बगैर सोचे समझे, रोज़ ले ही रहे होते, मतलब इट्स एन ऑटो प्रोसेस, ऑटो मैकेनिज्म। हम सोच रहे होते हैं अच्छा अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, मैं नमाज अभी पढ़ूँ या 10 मिनट के बाद पढ़ूँ, अभी पढ़ूँ तो जमात मिल जाएगी, बाद में पढ़ूँगा तो अकेले पढ़नी पड़ेगी। तो राइट, वी मेक चॉइसेस ऑल द टाइम। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि हम चॉइसेस लेते हैं तो जब एक चॉइस ले लो ना और उसके रिजल्ट्स आने लगे तो अब इफ की बहस पे नहीं पड़ना। इफ मतलब अगर, अगर मैं ये करता तो ये हो जाता, अगर मैं ये करती तो ये हो जाता। क्योंकि क्या, वो क्या करता है, अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान ना उससे इफ बोलने से ना शैतान आपके अंदर एक दरवाजा खोल देगा और वो आपको अपने मुतालिक बुरे गुमान में मुबतला कर देगा, मतलब आपको डिप्रेस कर देगा। और ये किन चॉइसेस के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो जो हमने पास्ट में ले ली हैं जिनको अब हम चेंज नहीं कर सकते, जब आप मुड़ के देखेंगे अपने पास्ट में ना तो वहाँ पर हमारे लिए सिर्फ क्या है, वहाँ पे हमारे लिए इबरत है, वहाँ हमारे लिए इनसाइट्स हैं, वहाँ हमारे लिए लेसन्स हैं, वहाँ से हम और कुछ नहीं ले सकते। तो अब हमने कुछ चॉइसेस ली थी जिसके रिजल्ट्स आने शुरू हो गए और उन रिजल्ट्स ने हमें बताया कि नहीं यार ये रिजल्ट्स तो अच्छे नहीं हैं, तो अब उन रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करें और अब वहाँ से उसको चेंज करने की कोशिश करें। अब देखें आगे क्या चॉइस बनती है, आगे अल्लाह ताला ने आपको कितनी इस्तेआत दी हुई है, सही है। तो अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे और बार बार कहेंगे यार मैं ये करती तो ये होता, ये करती तो ये हो जाता, फिर उसमें बेसिकली शैतान आपको ना सर्कल्स में लेके जाता है। और बहुत सारे इंसान अपने पास्ट से लड़ रहे होते हैं अपने जहन के अंदर ही, और जब ये हो रहा होता है तो आप और मैं ना अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को मिस कर रहे होते हैं और हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं क्योंकि हम पास्ट से लड़ रहे हैं जो कि अब चेंज नहीं हो सकता, सही है। तो जैसे कि हमने पहले ग्राउंड क्या सेट किया, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, हम सब वर्क इन प्रोग्रेस हैं, हम सबसे गलतियाँ होती हैं, हम सबसे गुनाह होते हैं, हमने गलत चॉइसेस ली, ओन करें यार, कोई बात नहीं, गलती होगी ओन करें, बाकी ज़िंदगी पड़ी हुई है उसको सही से। इनफैक्ट अब ज़्यादा रैशनल डिसीजन मेकिंग करें, ज़्यादा अल्लाह ताला से जिसको कहते हैं रैशनल दुआएँ करें, इन अ सेंस मतलब आपकी जो दुआओं की जो वर्डिंग होगी वो चेंज होना शुरू हो जाएगी, अब एक हम्बलनेस आ जाएगी कि यार मेरे सारे फैसले हमेशा अच्छे तो नहीं होते, हो सकता है उसमें कुछ गलत हो सकता है, मुझे ग्रोथ की ज़रूरत हो, अब तो मुझे अल्लाह ताला ने मार खिलवा के एक नई चीज़, एक नया जाविया समझा दिया लाइफ का जो कि पहले मुझे पता ही नहीं था, मुझे लोग कहते थे लेकिन आई वॉज़ टू फुल ऑफ माई सेल्फ, आई थॉट कि नहीं मुझे सब पता है, तो ऐसा ऐसा वो शऊर भी बढ़ने लगा। तो पास्ट में जाके अपने आप से लड़ना, बार बार उस चीज़ को मलामत करना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो बातें मत करो। अब देखो आज कैसे फिक्स कर सकते हो चीज़ों को, आज फिक्स कर सकते हो, वहाँ के लिए कोशिश करना शुरू कर दो। अब अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मौक़ों पे हमें मुख्तलिफ चॉइसेस दी होती हैं और एट टाइम्स डेफिनेटली ऐसा होता है कि कोई चॉइस नहीं होती, सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, तो उस दिन अल्लाह की तकदीर का ये फैसला है। कितने सारे लोग हम जब क्योंकि एक माशरे के अंदर रहते हैं, आप एक घर में पैदा होते हैं, आप मे बी एक वर्क प्लेस पर जाते हैं, वहाँ पर अक्सर जो लोग जो लीडरशिप की पोजिशन पर होते हैं वो ज़ालिम होते हैं, वो जुल्म कर रहे होते हैं लोगों के साथ, जो उनके हकूक़ होते हैं वो उनको नहीं दे रहे होते। तो अब जब आप ऐसे रिस्ट्रेन या कंस्ट्रक्टेड इन्वायरमेंट में रहते हैं
जहां पर आपके साथ आपकी चॉइस छीन ली गई हो, जहां पे आपके पास कोई और ऑप्शन ही ना हो, तो वो सवाल लीडर्स से जरूर होगा कि आपने जुल्म किया लोगों पर, आपने लोगों को उनके हकूक नहीं दिए। लेकिन जो लोग सफर कर रहे हैं उनके लिए क्या चॉइस है? कम से कम हर एक के पास इतनी चॉइस हो कि वो अल्लाह से दुआ कर सके, कम से कम। उसके बाद फिर देखें कोशिश करने में आप क्या कर सकते हैं, कितना एरिया है मेरे और आपके पास कि हम उस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा फ्रेमवर्क है इसका। जो आपके साथ जुल्म करेंगे वो जुल्म कोई भी कर सकता है। एट टाइम्स अगर मैं एक पेरेंट हूँ, मैं अपने बच्चों को वो राइट्स नहीं देता जो उनके हैं, मैं उन पर जुल्म कर रहा हूँ और मैं आंसरेबल हूँ। इतने सारे लोग अपने बच्चों की ज़बरदस्ती शादी करते हैं, नोइंग के वहाँ मसले भी हैं, लेकिन जैसे एक इट्स लाइक अ कॉमन स्टोरी एवरी टाइम वी सी के एक जुआरी बाप ने अपनी बेटी की शादी एक दूसरे जुआरी को कर दी क्योंकि वो जुए में कुछ हार गया था। अब उसको पता है कि जहाँ वो शादी कर रहा है वो जुआरी है, वो नशई है, और वो उसको मारता है, वो उसको गालियाँ देता है, सही है। और अब बेटी को वो क्या जस्टिफाई कर रहा है, ये तुम्हारी तकदीर में लिखा था कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, अब तू भुगत, सही है। अब उस बेचारी लड़की के पास तो कोई चॉइस नहीं है, उसको तो जबरन इसमें धकेल दिया गया। अब इस सिनेरियो में उस बाप की क्या कैपेसिटी है, ही टुक रॉन्ग चॉइसेस, वो जालिम है। अल्लाह ताला को उसको, अल्लाह ताला उसको उससे सवाल करेंगे, उसका जवाब देना होगा। लेकिन इस लड़की के लिए क्या चॉइस है? दो ही चॉइसेस बचती हैं, कम से कम एक चॉइस तो है कि वो इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए अल्लाह से दुआ करे। दूसरी चॉइस क्या होगी कि वो किस कैपेसिटी में कोशिश कर सकती है, रीच आउट टू द एनजीओज और वट एवर, जो भी कैपेसिटी है। और दुआ करने से आपको एट टाइम्स ये नहीं पता होता आपने जाना कहाँ है, क्योंकि हम परफेक्ट तो है नहीं ना, हम सबका इल्म भी परफेक्ट तो नहीं है, लिमिटेड सा होता है। तो एट टाइम्स से दुआ करने से अगर आप अल्लाह ताला से ये मांग रहे हैं कि अल्लाह मुझे आप गाइडेंस दे दीजिए, मुझे ये बताइए आगे का रास्ता क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, सिर्फ स्टार्ट मेकिंग दिस दुआ। अगर यही नहीं पता कि मांगना क्या है, ये कैसे, ये सिचुएशन जिसमें मैं हूँ इसका एंड कैसे होने वाला है, तो दो चीज़ें करेंगे, या तो अल्लाह ताला आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट दे देंगे कि आगे का रास्ता क्या है, दूसरा ये हो सकता है कि अल्लाह ताला आपका दिल इतना बड़ा कर दें कि आपको वो प्रॉब्लम जो है जिसमें भी है, अब ये तो हमने एक एग्जाम्पल, लेकिन इसके अलावा और कोई भी प्रॉब्लम है उसको फेस करने का अल्लाह ताला आपको जिगरा इतना बड़ा कर दें और आपको वो प्रॉब्लम छोटी लगने लगे, जस्ट बिकॉज अल्लाह ताला ने आपकी क्या ट्यूनिंग कर दी, क्या जो देखने का जाविया नज़र वो चेंज हो गया। जो हमने चॉइसेस ली ना अपनी जिंदगी में, हमने अल्लाह ताला ने हमें इख्तियार दिया, हमारे पास चॉइसेस थी, तो फिर उन चॉइसेस को ओन करें, ओन इन द सेंस कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। दुनिया में सबसे आसान काम क्या होता है कि हम अपनी गलती, अपना ब्लेम जो है ना ऑफलोड कर दें कहीं और, किसी और पर डाल दें, सबसे आसान काम। बहुत अच्छा लगता है इंसान को ये करना, बहुत सारे इंसान अपनी जिंदगी की मुख्तलिफ सीरीज में यही काम करके खुश हो रहे होते हैं, मेरा कसूर नहीं है, आई एम टू परफेक्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, बिकॉज ऑफ एट टाइम्स वो अल्लाह को ब्लेम करते हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। सही, जब आपने चॉइस की ना, उस फैसले की रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसको ऑफलोड नहीं करें। शैतान ने भी यही किया था, अल्लाह ताला को कह रहा है कि आपकी वजह से मैं घूम रहा हूँ। अल्लाह ताला ने कहा मैंने एक सिचुएशन क्रिएट की थी और तुम्हारे अंदर एक तकब्बुर और गुरूर छुपा हुआ था, वो बस उस सिचुएशन मैंने क्रिएट की और वो गुरूर तकब्बुर बाहर आया। एट टाइम्स ये जो हम जितनी चॉइसेस लेते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, उनसे हम बहुत कुछ सीख ही रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं, क्या पर्सनैलिटी डेवलप करना चाह रहे हैं, वो जो कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी जो कि सच्चाई पे बेस्ड होती है, ना वो एरोगेंट होती है और ना वो लो सेल्फ एस्टीम में चली जाती है। मतलब एरोगेंट इतना है कि आप अपनी कभी कोई गलती मान ही नहीं रहे, और लो सेल्फ एस्टीम इतना कि मैं तो हूँ ही मैं कर्ज, मेरे साथ कभी कोई अच्छा होता ही नहीं, अल्लाह मुझसे नाराज ही रहते हैं, मेरे फैसले तो कभी सही नहीं होते, मेरी जिंदगी तो हमेशा ऐसी रही है। तो जब आप तो ये दोनों चीज़ें, ये दोनों एटीट्यूड अल्लाह ताला कह रहे हैं इनसे बाहर आए, और जो बीच का मिडिल ग्राउंड है ना, इसको जो सच्चाई पे बेस्ड है वो कॉन्फिडेंस, वो आपको कुरान देता है। कुरान बेसिकली आपके जितने खन्नास होते हैं दिमाग में, जो आपको एरोगेंट बना रहे होते हैं, तो जो आपको लो सेल्फ एस्टीम की तरफ धकेल होते हैं, उसको बैलेंस में ले आते हैं और बार बार लाते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्फिडेंस है, जब आपका कॉन्फिडेंस आएगा ना, तो आपको क्या लगता है ये जालिम दुनिया जो होगी अतराफ में, ये कॉन्फिडेंस को बर्दाश्त करेगी? नहीं करेगी, वो तो कोशिश करेगी किसी तरह ये कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए, शैटर्ड हो जाए। तो तभी कुरान से जुड़ना, कुरान को समझना इसलिए जरूरी कि वो You will get that confidence again and again and again.
जो हक होता है अल्लाह ताला का वो वाजे होता चला जाता है, होता चला जाता है, आपकी लर्निंग होती है, आपकी ग्रोथ होती है, आप अपनी गलतियाँ ओन करते हैं, आपको ज्यादा तक सही है यार गलतियाँ हुई हैं आपकी, ये नहीं आप पकड़ नहीं रहे, गलती होगी आप लोगों से भी माफी मांग सकते हैं। अब और आप सोचें कि यार क्या गलती हुई, मेरे इल्म में मसला था या मैं बहुत ज्यादा जज्बाती हो रहा था हो रही थी या कोई और मसला था, मैं बहुत एरोगेंट थी या कोई और कॉम्प्लेक्सेस थे मेरे अंदर जिसकी वजह से मैंने ये फैसले किए, या बहुत ज्यादा खौफ था जिसके आलम में फैसले। तो जब आप वो देखेंगे तो आप एक बेहतर मकाम पे आ जाएंगे और आप आगे की जिंदगी बेहतर गुजार सकते हैं। पास्ट हमेशा आपको किस तरह डिफाइन करेगा आपके दिल और दिमाग में कि दैट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, उसमें गलतियां थी ओन करें और गलतियों को क्या बना हम आज भूले। तो आप आज बैठ के सोचें अल्लाह ताला से एटलीस्ट दुआ तो करना शुरू करें कि अल्लाह मुझे रास्ता दिखाइए, मेरी मदद कीजिए इन सिचुएशन में से निकलने का, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह जरूर रास्ता बनाएंगे। सही, तो कुरान और सुन्ना क्या है, ये गाइडेंस है, क्यों, टू इन्फ्लुएंस आवर चॉइसेस, हम जो चॉइसेस लेंगे जिंदगी में, क्योंकि आपको याद है ना पिछले वीडियोस में डिस्कस की थी बात के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक हर एक की तकदीर में अल्लाह ताला ने जन्नत भी लिखी हुई और जहन्नम भी लिखा हुआ और उसको चॉइसेस दी हुई हैं। जो आदमी जन्नत में जाएगा एंड में उसको अल्लाह ताला दिखाएंगे कि तुम मुख्तलिफ चॉइसेस लेते तो तुम जहन्नम में जा रहे थे। सिमिलरली जो जहन्नम में जा रहा था अल्लाह उसको दिखाएंगे देखो तुमने जन्नत इस तरह से मिस की है, ये चॉइसेस थे तुम्हारे पास उन दिनों पे उन टाइम्स में, ये थे तुम्हारे टर्निंग पॉइंट्स। ठीक है, तो अब कुछ चीज़ों में अल्लाह ताला ने हमें चॉइस दी हुई है और कुछ चीज़ें फिक्स्ड हैं और जो चीज़ें फिक्स्ड हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उस पर हमारे पास सब चॉइस का इख्तियार नहीं है, उस पर क्या इख्तियार है, हमारे रिएक्शन का इख्तियार है कि हम उसको किस तरह एक्सेप्ट करते हैं, उस पर शुक्र करते हैं, उस पर सब्र करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं। और तकदीर में जब हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड या वेरिएबल, दोनों में एक रिएक्शन तो अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ, एक इख्तियार तो दिया हुआ है हर एक को कि हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, हम अल्लाह ताला से क्लैरिटी मांग सकते हैं, हम अल्लाह ताला से आगे का रास्ता उसको हमारे लिए वाजे कर दें, हमें अपनी डायरेक्शन दे दें और हमारे दिल को बेसिकली सुकून में ले आए। क्योंकि अब फ्यूचर एट टाइम्स आपको बहुत भयानक नज़र आ रहा होता है, बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम आगे जाएंगे तब भी खतरा है और पीछे रुकते हैं तब भी खतरा है। अब ऐसे मौक़ों पर हमें नहीं मालूम कि हमारे लिए क्या बेहतर है, तभी अल्लाह ताला से एटलीस्ट दुआ तो हर कोई कर सकता है, उसके बाद फिर देखना है कि अल्लाह ताला कोशिश करने की कितनी आपको कैपेसिटी दे रहे हैं, कितनी चॉइस दे रहे हैं। और एट टाइम्स बिल्कुल होता है कि आपके सिर्फ दुआ करने से अल्लाह ताला कोशिश की अपॉर्चुनिटीज आपके सामने ले आते हैं। ठीक है, तो सोचें यार इन बातों पर।